Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन चीज फ्रैंकी। बहुत ही बढ़िया और झटपट आसानी से बनती है और बहुत डिलिशियस भी होती है। अच्छा, वैसे मैंने ये बार थोड़ा डिफरेंट वे बताया है फ्रैंकी बनाने का मटन की। मैंने एक और ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी हूँ मटन फ्रैंकी, वो भी ईजी वे है। तो और उसमें टमाटर डाले हुए, ये वाली रेसिपी में मैंने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो वो वाली अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैं आप लोग के लिए डाल देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं फ्रैंकी की रोटियों के लिए। तो एक बड़े से बर्तन के अंदर 2 कप भरकर मैदे का आटा डालिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने आधा छोटे चे का चम्मच डाला है और मैं यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून असली घी की डाल रही हूँ। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अभी से सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लीजिए। जैसे नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं तो सॉफ्ट आटा लगा लीजिएगा, एकदम हार्ड आटा नहीं गूंथना है। जब अच्छे से सॉफ्ट आटा आप लगा लें तो थोड़ा सा तेल लगाकर इसके ऊपर किचन टॉवल रख कर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार आटा मसल लीजिए और उसके पेड़े बना लीजिए। तकरीबन मैं 8 बना रही हूँ, आपको जितने बनाने हैं आप उतने बनाइए पेड़े। अब सबसे पहले एक पेड़ा लीजिए और इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और मीडियम साइज की रोटी बेल लीजिए इस तरीके से। अब एक तवे को अच्छा गरम कर लीजिए। जब अच्छा गरम हो जाए तो ये जो रोटी है ये डालकर इसे उलट पलट करते जाएं और मीडियम आंच पर सेक लें। आप चाहे तो पूरी तरीके से भी सेक सकते हैं, बट मैं पूरी तरीके से सेक नहीं रही हूँ और मैं कच्ची पक्की सेक रही हूँ। जब कच्ची पक्की हो जाती है तो इसे निकाल कर मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारी आप सेक लीजिए। आप चाहे तो मेरी तरह कच्ची पक्की सेकिए या फिर पूरी तरीके से सेक लीजिए और साइड पर रख दीजिए और इसे एक कपड़े के अंदर ढक कर रखिएगा। हाँ, ये है 1/2 किलो मटन बोनलेस, चर्बी निकाली हुई है। 2-3 पानी से धोकर निताड़ कर मैंने ये एक बड़े से बर्तन में डाल दिया था। ये जो बोटी है ना, ये चना बोटी साइज करवाई है मैंने। ये 2 मीडियम साइज की प्याज है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए कुकर का। थोड़ा सा ही हल्का तेल डालिए और ये प्याज को बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, सिर्फ लाइट करनी है। देखिए हल्की इतनी लाइट हो तो यहाँ पर डाल दीजिए सारा हमने धोकर नितार कर गोश्त रखा है, वो सारा डाल दीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। मैंने चूल्हा भी स्लो कर दिया क्योंकि प्याज ज़्यादा लाल ना हो जाए ना इसके लिए। चलिए एक बार चला लीजिए और चूल्हा मीडियम फिर से कर देती हूँ और इसे बार बार चलाते हुए ना, जब तक ये जो हमारे मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक बार बार चलाते हुए इसे पका लीजिए। जब मटन कलर चेंज कर दे तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1/2 छोटे चाय के चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डालिए और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। वैसे आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं स्पाइस को। अच्छा, आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम ही डालिएगा स्पाइस। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1/2 मिनट तक ये मसालों को भूनिए। आप चाहें तो थोड़ा पानी का छीटा डालकर भी भून सकते हैं, मैंने पानी नहीं डाला है। अच्छा, अब जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1¼ कप जितना पानी, या आप पानी उस हिसाब से डालें कि आप गोश्त के लिए कितना पानी लगता है आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने 1¼ के दरमियान डाला है। मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, तो आप जब मसाले डालें ना उसके बाद जब आप भून लें मसालों को तो 2 टेबलस्पून दही डाल लीजिएगा और इसे 1/2 मिनट तक बार बार चलाते हुए भून लीजिए, उसके बाद आप पानी डालिएगा। चलिए भून चुकी है, मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ 1/4 छोटे चाय का चम्मच जितना, और जब डाल दें मिक्स कर लें और इसको ढक दीजिए और सीटी लगाकर, और समझे ना, 1 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए और चूल्हा स्लो कर तकरीबन 15 मिनट तक स्लो आंच पर रहने दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा।
अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो ये देखिए मैंने खोल लिया है और मटन अच्छे से गल चुका है। आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं गला हो तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर से गलाने रख दीजिए। मैं थोड़ी खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल रही हूँ। अच्छा पानी आपसे बाय मिस्टेक ज़्यादा हो गया हो तो आप पानी को इस समय फास्ट आंच पर सुखा लीजिए और फिर कोथमीर डाल दीजिए। टोटल मैं 8 फ्रैंकी बना रही हूँ, बट अभी इस वक्त ना मैं सिर्फ 4 ही बनाऊंगी। तो वो 4 के हिसाब से है ना, मैं 3 अंडे ले रही हूँ, उसमें नमक काली मिर्च डालकर इसे फेंट कर साइड पर रख दीजिए। अब बाकी की 4 मैं रात को बनाऊंगी, बट आप अगर 8ों 8 अभी ही बना रहे हैं, 8-9 अभी ही बना रहे हैं, तो आप तकरीबन 5-6 अंडों को फेंट लीजिएगा। ये है चाट मसाला, ये है रोटियाँ जो हमने कच्ची पक्की करके रखी है, और वो है प्याज। प्याज को मैंने 3 लिए हैं छुंदा किए, और 2-3 हरी मिर्चियाँ उसे बारीक काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अच्छा ये जो प्याज वाला प्रोसीजर है ना सिरका डालने का, ये आप एंड टाइम पे ही कीजिएगा जब आप फ्रैंकी बना रहे हो। पहले से बनाकर मत रखिएगा, नहीं तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। एक फ्राई पैन को अच्छा गर्म कर लीजिए, अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए, और ये जो रोटी हमने साइड पर कच्ची पक्की बनाकर रखी थी, ये सारों को एक एक करके अच्छी पूरी तरीके से दोनों ओर करते हुए सेक लीजिए। आप चाहें तो कपड़े की मदद से सेके या फिर स्पैचुला से सेके, लेकिन दोनों ओर से अच्छे से सेक लीजिए। जब दोनों ओर से अच्छे से सेक लें तो मैंने हल्का सा चूल्हा स्लो किया है, और ये अंडा जो साइड पर रखा था उसे डाल दीजिए 4-5 टेबल स्पून जितना, और इसे 10-20 सेकेंड पकने दीजिए। अब मैंने थोड़ा सा मीडियम आँच कर दिया चूल्हे को, और अब क्विकली पलट दीजिए, और वहाँ पर आप चाहें तो तेल लगा सकते हैं या फिर घी डाल दीजिए। मैंने घी लगाया है सो दैट हमारी जो ये है अंडे वो पीछे की साइड से अच्छे पक जाएंगे ना। तो अंडे जब पक जाए पीछे की साइड, ऊपर की साइड मैंने मक्खन लगाया अच्छे से, फिर उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छे से सेक लें और इन्हें निकाल लें। तो एक साइड पे मैंने घी लगाया है सो दैट हमारे जो अंडे हैं वो अच्छे से पक जाए, और ऊपर का जो कवरिंग का साइड था वहाँ पर मैंने मक्खन लगाया। चलिए इसी तरीके से सारे आप एक एक करते बनाते जाएं और साइड पे रखते जाएं। अच्छा मैं ना सारी रोटियों को सेक लेती हूँ अंडे लगाकर, बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और एक साथ कर रही हूँ मैं। अब आप चाहें तो एक रोटी को सेक लें और अच्छे से फ्राई कर लें अंडा वगैरह लगा के, और उसके ऊपर सारा असेंबलिंग कर लें मटन की, और एक एक करके आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक साथ रोटी बना ली कि झंझट ही नहीं ना। अच्छा अब इसके यहाँ गर्मा गर्म रोटी लीजिए, और जहाँ आपने अंडा फ्राई किया है ना वो वाले साइड पर आप पहले तो ये सिरके वाली प्याज, हरी मिर्ची वाली प्याज नीचे रख दीजिए। थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं डाल देती हूँ ये हमारा जो मटन बढ़िया सा गरम करके मैंने यहाँ डाल दिया 1-2 टेबलस्पून जितना, और फिर से थोड़ा सा चाट मसाला मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और खूब सारी चीज़ को खुरच कर इसके ऊपर डाल दीजिए और इसे लपट दीजिए बहुत अच्छे से, टाइटली रोल कर लीजिए। और ये बन गई हमारी एक मटन चीज़ फ्रैंकी, बढ़िया सी मज़ेदार। इसी तरीके से सारी फ्रैंकीज बना लीजिए एक एक करके। स्पाइस मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया इस रेसिपी में, आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हरी मिर्ची हो या लाल मिर्ची का पाउडर हो। अच्छा मैंने चाट मसाला 2 जगह पर डाला है, प्याज के ऊपर भी डाला है और मटन के मिक्सचर के ऊपर भी डाला है। आप चाहें तो एक ही जगह पर डाल सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं। तो चलिए ये बन चुकी है, गर्मा गर्म मज़ेदार सर्व कीजिए। अच्छा मैंने फ्रैंकीज की सीरीज शुरू की है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैंने फ्रैंकीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज़रूर चेक कीजिएगा और बनाइएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी, है ना मजेदार? अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।